हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हाल के कुछ वर्षों में या हाल के दिनों में भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों की ओर से बहुत सारे जगहों के पुराने नामों को चेंज करके उसका नया नाम किया गया है। तो दोस्तों, इसी में भारत की जो केंद्र सरकार है उसने भी भारत के मानचित्र में कुछ नया संशोधन किया है, कुछ नए चेंजेस किए हैं और इस हिसाब से इन्होंने एक नया मानचित्र को प्रदान किया है। तो यह जो नया मानचित्र है इसमें क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी को अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अगर हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जामों में, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में राज्य भी हैं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो वर्तमान अगर हम लोग समय में बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करेंगे, तो फिर भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें जो हैं वह हाल के दिनों में हुई हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को अभी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करती थी भारत की, लेकिन यह 31 अक्टूबर 2019 के बाद में इसे ही बदल करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यानी जम्मू कश्मीर को चेंज करके केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। और यह कब हुआ है, तो यह हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। 26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए इसको पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं। तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो भी कब से, तो वह 26 जनवरी 2020 के बाद से, यानी कि इस दिन से हम लोग देखते हैं। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, इसको ध्यान रखना है। और अभी बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ये जो जम्मू कश्मीर है उसको नया मानचित्र में दर्शाया गया है। तो जम्मू कश्मीर को टोटल 22 जिलों के रूप में दर्शाया गया है और लद्दाख को 2 जिलों के रूप में दर्शाया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये कब बने हैं यूनियन टेरिटरीज, तो इसको भी फिर से एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे, 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। तो जम्मू कश्मीर में टोटल अभी 22 जिले हैं, 22 जिले, और इसमें है लद्दाख में 2 जिले। इस 22 जिले में 20 जम्मू एंड कश्मीर से और 2 जिले जो है वह POK से, तो टोटल 22 जिले हो गए। और इसमें से 2 जिले जो है वह है लेह और कारगिल। ये जो लेह है यह इसकी राजधानी भी है, लेकिन यह ग्रीष्म राजधानी है, यह है ग्रीष्म राजधानी और यह है शीत राजधानी। और इस जम्मू कश्मीर में इसकी जो राजधानी है वह है श्रीनगर। तो यह जो श्रीनगर है वह है हमारा ग्रीष्म राजधानी, ग्रीष्म राजधानी, और दूसरा है जम्मू। तो यह जो जम्मू है वह है शीत राजधानी। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है टोटल 22 और 2 जिले,
तो यह नया मानचित्र में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं दादर एवं नगर हवेली और साथ ही साथ में दमन एवं दीव के बारे में। तो देखते हैं दादर एवं नगर हवेली प्लस दमन एवं दीव, तो यह है। तो इन दोनों को मिला करके एक नया यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। पहले दोनों अलग अलग थे, ये अलग था और ये अलग था, लेकिन अब मतलब 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को एक साथ में किया गया है और एक नया यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ को घटाया गया है। तो दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों की जो राजधानी है अभी मिला करके बनाया गया है, दमन को बनाया गया है। लेकिन पहले अगर बात करते हैं इसका, पहले ये तो वर्तमान में हो गया, लेकिन अगर पहले बात करते हैं तो ये दादर एवं नागर हवेली की जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वह सिलवासा थी, सिलवासा। और ये जो दमन एवं दीव था, ये इसकी जो राजधानी थी वह था हमारा दमन, लेकिन अभी वर्तमान में हो गया इसकी राजधानी दमन हो गया। तो आपको यहां पर यह चीज को ध्यान रखना है। और यह कब हुआ है? तो यह हुआ है 26 जनवरी 2020 से। अब अगर हम लोग लोकेशन देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर है। पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर था, इसमें यहाँ पर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और ऊपर साइड में जो है वह था हमारा लद्दाख। तो यहाँ पर लद्दाख और इस साइड में है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। और दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को देखते हैं तो दीव जो हमारा हो जाता है वह गुजरात के इस वाले इलाके में आपको मिल जाएगा दीव। तो ये हो गया हमारा दीव। और दमन जो था वह गुजरात के ही अंदरूनी वाले हिस्से, इस साइड में था हमारा दमन। तो ये हो गया हमारा दमन। और दादर एवं नागर हवेली की बात करते हैं तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये जो था पहले गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में था और अभी भी वहीं पर है। तो इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो था वह हमारा नागर हवेली था, नागर हवेली, और इससे थोड़ी सी ही ऊपर में हमारा ये था दादर। तो ये मानचित्र में मैं आप लोगों को दर्शाने के लिए इतना बड़ा बनाया हूँ, लेकिन ये सब इतने बड़े नहीं है। तो यहाँ पर केवल समझना है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के एकदम करीब में है ये नागर हवेली और दादर, और साथ में इससे थोड़ा सा ऊपर में जो है वह दमन है, और दीव हमारा इस साइड में पड़ता है, यानी कि गुजरात के इस वाले भाग में पड़ता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी इसका जो वर्तमान राजधानी हो गया, इन दोनों को मिला करके दमन, और पहले जो राजधानी था सिलवासा और दमन था। तो आपको ये चीज़ ध्यान में आ गई होगी। अब ये जो है यह है हमारा लक्षद्वीप, यह है हमारा लक्षद्वीप, और यह है हमारा जो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग इस प्रकार के द्वीप समूहों वाला, वह है अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। तो ये दोनों भी हमारा यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा एक है हमारा दिल्ली यहाँ पर, और एक है हमारे लगभग इस और चंडीगढ़। तो यह है हमारा चंडीगढ़, इसको मैं दिखा देता हूँ, चंडीगढ़।
और ये जो चंडीगढ़ है यह पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी भी है, साथ ही साथ में यह यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा में और एक है हमारा जो है पांडिचेरी या पुडुचेरी, तो इस लगभग इस वाले इलाके में है हमारा पुडुचेरी, पुडुचेरी या इसको पांडिचेरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो यूनियन टेरिटरीज है ये हमें मिल गया है। देखते हैं कितना हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये जो पांडिचेरी है या पुडुचेरी है इसके भी 4 जिले हैं, इसके 4 जिले हैं, तो इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। तो पुडुचेरी का 4 जिले हैं, पहला जो है यनम, दूसरा है पुडुचेरी या पांडिचेरी, तीसरा है कराईकेल और चौथा है माहे, तो ये 4 जिले हैं पुडुचेरी के। तो इसको यहीं पे मैं बता देता हूँ, पुडुचेरी या पांडिचेरी, इसके जो 4 जिले हैं, 4 जिले, पहला है यनम, दूसरा है पांडिचेरी, तीसरा है कराईकेल और चौथा है माहे। अब इनके जो लोकेशंस है ये लोकेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यनम, तो यनम जो है वह आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहीं पर पड़ता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य है मैप के हिसाब से, तो इस जगह पे हो गया हमारा ये यनम, ये हो गया हमारा यनम। उसके बाद है पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा जस्ट इसके नीचे में थोड़ा सा यहाँ पर है हमारा कराईकेल, यह हमारा कराईकेल, और चौथा जो है माहे, माहे कहाँ है, तो माहे है हमारा केरल राज्य में, तो यह है हमारा माहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पुडुचेरी के 4 जिलों में से कौन सा जिला पश्चिमी तट पर स्थित है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही जिला है जो पश्चिमी तट पर स्थित है, बाद बाकी तीन के तीनों, ये पहला दूसरा और तीसरा तीनों पूर्वी तट पर है, लेकिन केवल माहे जो है वह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है। तो यनम है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में है, पांडिचेरी और कराईकेल ये दोनों हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में, और माहे है केरल राज्य में, और ये तीनों जो हैं वह पूर्वी तट पर स्थित हैं, पूर्वी तट पर, और एकमात्र जो है यह वह है केवल पश्चिमी तट पर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है ये माहे हमारा। और अब देख लेते हैं लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है हमारा कावारती, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो इसको मैं राजधानी लिख देता हूँ ताकि ध्यान में रहे, लक्षद्वीप, तो इसकी राजधानी है कावारती, लक्षद्वीप है कावारती, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो राजधानी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यह
पंजाब है और ये दिल्ली है, जो देश की राजधानी भी है और साथ ही साथ में यूनियन टेरिटरीज भी है। तो इस प्रकार से 8 जो जिले थे वो सब मैं आपको बता दिया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इससे पहले 9 केंद्र शासित हुआ करता था, जो अभी भी बहुत सारे बच्चों को वही याद हो गया होगा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अगर वर्तमान में देखते हैं तो वह अभी चेंज होकर के 8 हो गया है। तो इस प्रकार से जो पूरे यूनियन टेरिटरीज है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि कहाँ पर किसका लोकेशन है और उनकी राजधानियों को भी बता दिया हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।